छठ महापर्व बुधवार से शुरू हो गया है। व्रती महिलाएं शुक्रवार की शाम को और शनिवार की सुबह नदियों, तालाबों और अन्य जलाशयों के किनारे जाकर भगवान सूर्य को अर्घ्य देंगी। इस दौरान शहर से लगायत ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं भी किसी प्रकार की अव्यवस्था ना हो, किसी जगह कोई हादसा ना हो, इसके लिए NDRF और SDRF के जवानों को तैनात किया गया है। पुलिस और PSC जवान भी मुस्तैद रहेंगे। कई ऐसे स्थान होंगे जहां NDRF या SDRF के जवान नहीं पहुंच पाएंगे। ऐसे स्थानों पर आपदा मित्रों को तैनात किया गया है, जो पूरी व्यवस्था देखेंगे और लोगों की मदद करेंगे। आपदा मित्रों की तैनाती राजघाट पर भी की गई है। इस संबंध में SP City डॉक्टर कौस्तुभ, SP South विपुल कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा के लिए शेरनी दस्ता और महिला थाने की पुलिस तैनात रहेगी। साथ ही इसके अलावा भी पुलिस और PSC के जवान तैनात रहेंगे। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर ड्रोन कैमरे से भी निगरानी की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SP South विपुल कुमार श्रीवास्तव और SP City डॉक्टर कौस्तुभ ने कहा, देखिए छठ जानते हैं, अभी आज पर्व शुरू हो रहा है और ये 4 दिन का पर्व है। इसमें मेन जो है 20 तारीख की इवनिंग में और 21 की सुबह जो है ये ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती है घाटों पे। हालांकि शासन की गाइडलाइन आई है, पहले तो जनता से अनुरोध यही किया जा रहा है कि वो अपने घर में ही कर लें ये पूजा को। अगर घर में नहीं करते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग और मानक को पूरा करते हुए ये करेंगे। और ये जो है, जो हमारा मेन बढ़लगंज और गोला उधर जो सरजू नदी के किनारे जो भीड़ भाड़ अधिक रहती है, वहाँ पर ड्यूटीज़ पूरी लगाई गई हैं। और छोटे बड़े जो भी घाट हैं या तालाब हैं, वहाँ पे हर थानों को बताया गया है, वो ड्यूटी लगा के और सकुशल इसे संपन्न कराएंगे। कप्तान साहब के निर्देशानुसार नगर क्षेत्र में जहाँ जहाँ पे भी नहाने की स्थान है, जहाँ जहाँ पे भी अर्घ दिया जाता है, वहाँ वहाँ पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था लगाई जा रही है। और सुरक्षा व्यवस्था में हम अपनी जनपदीय और स्थानीय पुलिस के अलावा हमारे कार्यालयों में जो पुलिस नियुक्त हैं उसके साथ एंटी रोमियो दस्ते को, शेरनी दस्ते को तथा बाहर से जो भी हमें पुलिस बल मिला है PSC के रूप में, उसको भी लगाएंगे। और इसमें हमने इस बार टेक्निकल एडवांसमेंट्स का यूज़ करने का प्रयास किया है, जैसे कि हमने CCTV कैमरे लगाएंगे, ड्रोन कैमरों का यूज़ करेंगे, हमारे पास स्निफर डॉग्स हैं उनका भी प्रयोग किया जाएगा। और जो मेन प्रमुख घाटे हैं जहाँ पर ज़्यादा भीड़ होती है, वहाँ पर हम एक कंट्रोल रूम भी बना रहे हैं जहाँ पे पुलिस और मजिस्ट्रेसी के लोग बैठेंगे ताकि लोगों को तुरंत वहाँ एड्रेस कर सकें। साथ ही NDRF SDRF दोनों की टीमें लगाई जा रही हैं हमारे मुख्य घाटों पे, ताकि अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो घाट नाव से तुरंत वहाँ पहुँचा जा सके। और साथ ही लोगों से इस बात की भी अपील है कि शासन के निर्देशों का पालन करें और कोविड के संकट को देखते हुए कम से कम संख्या में पूजा अर्चना करने आए, और एक ही व्यक्ति आए अगर संभव हो किसी एक के साथ, और मास्क और सामाजिक दूरी और सैनिटाइज़र का प्रयोग अवश्य करते रहें पूरे समय।